नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1313 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पकड़ा गया शहर में लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कपड़ा धोने गई युवती की नदी में डूबने से हुई मौत, काफी मशक्कत कर एनडीआरएफ ने शव किया बरामद। भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी के संन्यास की घोषणा से प्रशंसकों में निराशा। और नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस टीम पर किया पथराव। अब समाचार विस्तार से। मुंगेर पुलिस को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह के निर्देश पर की गई कार्रवाई के दौरान मुंगेर पुलिस द्वारा शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया गया। मुंगेर पुलिस अधीक्षक को चाय पत्ती लदे ट्रक से शराब की तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद नया नामनगर थानाध्यक्ष रंजीत कुमार द्वारा ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान चाय पत्ती के बोरे के बीच छिपा कर रखे गए 149 कार्टून शराब को बरामद किया गया। कार्रवाई में पुलिस ने कुल 1313 लीटर शराब बरामद किया है। इसके अलावा 3 शराब तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में समस्तीपुर मोदी नगर निवासी राम किशोर सिंह एवं शांतनु सिंह के साथ पटना अथमलगोला निवासी विवेक कुमार शामिल हैं। भागलपुर शहर में लगातार शाम के वक्त दुकानदारों को निशाना बनाकर लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का एसएसपी आशीष भारती ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना उमंग शाह समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए 5 बदमाश के संबंध में शनिवार को एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि शुक्रवार की देर शाम बवरगंज थाना क्षेत्र में लूटकांड को अंजाम देने के क्रम में बदमाशों द्वारा दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी, जिसके बाद सिटीएसपी सुशांत कुमार सरोज एवं सिटीडीएसपी राजवंश सिंह की अगुवाई में बवरगंज थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उमंग शाह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए बदमाश उमंग शाह के निशानदेही पर मुंदीचक निवासी सुमित कुमार, बैजानी निवासी अनिकेत पांडे, जगतपुर निवासी छोटू यादव और सिकंदरपुर कोबीबाड़ी निवासी नारियल को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी ने कहा कि उमंग शाह और नारियल का आपराधिक इतिहास रहा है और लूटकांड एवं रंगदारी मामले में ये जेल भी जा चुके हैं, जो जेल से निकलने के बाद गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। कल बवरगंज थाना क्षेत्र में एक यह जानकारी मिली कि जो लूटपाट की घटना में शामिल अपराधी है वो बवरगंज थाना क्षेत्र में आया हुआ है और उसके द्वारा आम लोगों में भय पैदा करने के लिए फायरिंग की घटना की गई है। तो बवरगंज थाना प्रभारी, मुजाहिदपुर थाना प्रभारी तथा उनकी टीम के द्वारा तुरंत ही वहाँ पर पहुँचा गया और अपराधी उमंग शाह को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। हथियार के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ उसकी निशानदेही पे इस टीम में सम्मिलित अन्य सुमित कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली गाँव स्थित चानन नदी में कपड़ा धोने के दौरान एक लड़की पानी के तेज बहाव में बह गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम एवं ग्रामीण गोताखोरों की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक लड़की की पहचान सनहौली गांव निवासी अजय चौधरी की 16 वर्षीय पुत्री सुनीता कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि अजय चौधरी की इकलौती पुत्री सुनीता शुक्रवार को कपड़ा धोने चानन नदी के किनारे गई थी, जहां पैर फिसलने के कारण वो गहरे पानी में चली गई और तेज बहाव में बह गई। घटना से मृतका के घर में कोहराम मच गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तान में से एक महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद उनके प्रशंसकों में काफी निराशा है। धोनी का भागलपुर से पुराना रिश्ता रहा है। 2004 में माही ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित सद्भावना कप में अपने खेल का जौहर दिखाते हुए टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच सीरीज का अवार्ड जीता था। धोनी के साथ क्रिकेट खेले भागलपुर के खिलाड़ियों में उनके संन्यास की घोषणा से काफी निराशा है। भागलपुर से उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है। जिला स्तरीय टूर्नामेंट खेलने भी आए थे, सद्भावना कप उन्होंने 2004 में खेली यहाँ, और उनका जो परफॉर्मेंस था जिस हिसाब से वो हिट करते थे, मुझे याद है कि उनके छक्के जो होते थे सड़क के उस पार गिरा करते थे, तो
उसी समय हम लोगों को ऐसा अंदाज लगा था कि ये आज न कल भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाएंगे, पर उन्होंने दरवाजा ही नहीं खटखटाया बल्कि एक इतिहास रच दिया। इस मैदान से भागलपुर से उनका काफी अच्छा नाता रहा है, हम लोगों ने उनको बड़े बड़े छक्के देखे हैं मारते हुए, मैन ऑफ द सीरीज लेते हुए और उसके जस्ट बाद इंडिया टीम में आते हुए विद इन 6 मंथ। और तो बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे बीच से जिसके साथ हम लोग खेले तो हमारे अंदर एक ऐसा मैसेज आता है कि आप जहाँ पर भी अपने आप पे बिलीव रखें उनको देख के कि आप इतने खेल से भी आगे बढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है, हमारे इसमें पॉजिटिवनेस रही हम लोगों में और उनके जैसा फिर दोबारा कोई आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि या किसी को भी कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कोई दोबारा इंडिया टीम में आएगा। जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ना तो इन्हें कानून का डर है और ना ही पुलिस का। ताजा मामला नवगछिया के भवानीपुर थाना का है, जहां रात में अवैध रूप से मकान का निर्माण करवा रहे लोगों को रोकने पर अपराधियों ने पुलिस पर पथराव करते हुए अचानक हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से पुलिसकर्मी घबरा गए, जिसमें भवानीपुर थाना के ASI सुभाष यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, उनके सिर में गंभीर चोटें आई है, जबकि अपराधियों द्वारा किए गए पथराव में 3 अन्य पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। घटना को लेकर बताया गया कि भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक रैयती जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, जिस पर सुनील दास द्वारा अपने परिवार के साथ मिलकर अवैध मकान का निर्माण कराया जा रहा था। रात में काम होता देख पुलिस की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद अपराधियों ने पथराव कर पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर मोक्षदा स्कूल के समीप मशाकचक भागलपुर बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को पूरे भागलपुर प्रमंडल में हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया। जिले में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह सेंडिस कंपाउंड में आयोजित किया गया। मुख्य समारोह में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने परेड का निरीक्षण किया एवं राष्ट्रध्वज फहराया। झंडोत्तोलन के बाद डीएम ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों, महापुरुषों एवं क्रांतिकारी शहीदों को नमन किया। वहीं पुलिस जिला नवगछिया के पुलिस लाइन परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसपी स्वप्राजी मेश्राम ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली और राष्ट्रध्वज फहराया, जबकि नवगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में एसडीओ मुकेश कुमार ने तिरंगा झंडा फहराया और क्षेत्रवासियों को बधाई दी। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर में कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराया और विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भागलपुर में लोक गाथा बिहुला बिशहरी पर आधारित बिशहरी पूजा की कलश यात्रा से शुरुआत हो गई। हालांकि कोरोना के कारण इस वर्ष माँ बिशहरी की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है, लेकिन रविवार को विभिन्न इलाकों से भक्त बिशहरी पूजा को लेकर माँ मनसा देवी की कलश स्थापना के लिए गंगा घाट पहुंचे और कलश में गंगा जल भर मंदिरों में कलश को स्थापित किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव की ओर से कोरोना जांच आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से कई लोगों का कोरोना जांच किया गया। इस दौरान रैपिड टेस्ट किट की मदद से सैकड़ों लोगों का रजिस्ट्रेशन के बाद सैंपल लिया गया। भाजपा नेता ने कहा कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर यह अभियान निरंतर चलाई जाएगी। आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुण्यतिथि है, जिनके जिस अवसर पर आज कोरोना जांच आपके द्वार का कार्यक्रम को हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले शुरू करने का काम किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारे यहाँ के बूढ़ानाथ के मंदिर के प्रांगण में ये जांच शुरू कराई गई है। इसमें जो भी इस वार्ड के जो लोग हैं, सोनू घोष जी और सुधीर भगत, टंडन जी, मनीष दास जी और जितने भी महानुभव वरिष्ठ लोग हैं इस वार्ड से 18, 19, 20 से 21 से, सब लोगों ने अपना योगदान दिया है। पिछले दिनों कहलगांव के युवा समाज सेवी छोटू पांडे को नंदलाल पुल हाट के पास से झाड़ी में घायल नवजात शिशु मिला था। मानवता का परिचय देते हुए छोटू पांडे द्वारा कहलगांव में उसका प्राथमिक उपचार कराकर भागलपुर लाया गया, जहां नवजात को ले जाने के लिए चाइल्ड लाइन के पदाधिकारी और शहर के डॉक्टर ने छोटू पांडे के ऊपर काफी दबाव बनाया। छोटू पांडे का कहना था कि कहलगांव का बच्चा कहलगांव में ही रहेगा। रविवार को कहलगांव के सामाजिक कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा बैठक कर निर्णय लिया गया कि बच्चे को कहलगांव इलाके के जरूरतमंद दंपत्ति को दिया जाए, जिसके बाद सर्वसम्मति से कहलगांव के सुसज्जन कुमार एवं रश्मि कुमारी को बच्चा सौंपा गया। कहलगांव पहुंचने पर युवाओं द्वारा गाजे बाजे के साथ बच्चे को सुसज्जन कुमार और रश्मि कुमारी को सौंपा गया। दंपत्ति ने बताया कि श्री कृष्ण के रूप में आए नवजात शिशु पाकर वो काफी खुश हैं। वहीं समाज सेवी छोटू पांडे ने कहा कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है और ऐसे कार्य करने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होती है। उन्होंने नवजात शिशु प्राप्त करने वाले दंपत्ति से बच्चे को बेहतर परवरिश देने की गुजारिश की। भागलपुर एसएन रोड मसाकचक स्थित कार्यालय में भारतीय अटल सेना गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लोगों को उनके बताए मार्ग पर चलने की बात कही। वहीं मीडिया प्रभारी नितेश सिंह ने कहा कि समाज को अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है, जिससे सामाजिक समरसता को सही दिशा और दशा मिलेगी। मौके पर अध्यक्ष श्रीकांत, आशीष उपाध्याय सहित कई लोग मौजूद थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर आज हम लोगों ने यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आज उनकी पुण्यतिथि है और हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीकांत बाबू भी यहाँ मौजूद हैं और वाजपेयी जी के लिए हमारे पास जो शब्द है वो बयां नहीं कर सकते हैं कि सूर्य उदय से सूर्यास्त तक सुनहरी गुलाबी बदलती किरणों को निहार कर शब्दों में किताबों में रचते रहे सदा, शब्दों का गुम हो जाना नामुमकिन सा होता है, किताबें अमर होती हैं जैसे अमर हुए अटल जी। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर थाना में सर्वोच्च बलिदान अर्पित करने वाले तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केशी सुरेंद्र बाबू की पावन स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। शहीद स्मारक के अलावा बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में प्राणों का बलिदान देने वाले 5 सिपाहियों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह की पहल पर निर्मित शहीद स्मारक का उद्घाटन और 5 जांबाज सिपाहियों की प्रतिमा का अनावरण 15 अगस्त 2020 को किया गया।
मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि 5 जनवरी 2005 को बारूदी सुरंग विस्फोट की घटना में सुरेंद्र बाबू के साथ सिपाही ध्रुव ठाकुर, सिपाही ओम प्रकाश गुप्ता, सिपाही शिव कुमार राम, सिपाही मोहम्मद इस्लाम, सिपाही मोहम्मद कलाम वीरगति को प्राप्त हुए थे। मुंगेर के बाक गांव में दो भाई दीपक यादव एवं ब्रजेश यादव के बीच हुए विवाद का पंचायती करने गए बाक पंचायत के मुखिया पति शंभू यादव एवं उसके समर्थक छोटू यादव को दीपक यादव एवं गौतम यादव ने गोली मार कर घायल कर दिया। ग्रामीणों की मदद से घायल मुखिया पति शंभू यादव और छोटू यादव को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को पटना रेफर कर दिया। गोलीबारी के दौरान जमालपुर प्रखंड प्रमुख के पुत्र गौतम यादव को मुंह में गोली लगी है, जिसका इलाज पटना में चल रहा है। उसका दोनों आपस के चचेरा भाई के झंझट था। किसका है? घर बना किसका? दीपक यादव और ब्रजेश यादव। अमरपुर थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई झड़प में कई लोग घायल हो गए। घटना को लेकर बताया गया कि कैलाश यादव एवं विनोद यादव की दुकान गांव में आमने सामने है, जहां विनोद यादव द्वारा ग्राहक को कम कीमत पर राशन बेचा जा रहा था। सस्ता सामान मिलने के कारण कैलाश यादव के ग्राहक भी अपना रास्ता बदल लेते थे, जिससे नाराज कैलाश ने कहा कि यह गलत है और सामान की तय कीमत से कम रेट पर सामान बेचने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिसके बाद दुकानदार विनोद यादव अपशब्द का उपयोग करते हुए मारपीट करने लगे और देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। झड़प में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। सभी का इलाज अमरपुर रेफर अस्पताल में चल रहा है। मामले को लेकर अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1313 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पकड़ा गया शहर में लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाला अपराधी एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कपड़ा धोने गई युवती की नदी में डूबने से हुई मौत, काफी मशक्कत कर एनडीआरएफ ने शव किया बरामद। भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कप्तान एमएस धोनी के संन्यास की घोषणा से प्रशंसकों में निराशा। और नवगछिया में अपराधियों के हौसले बुलंद, अवैध निर्माण रोकने गई पुलिस टीम पर किया पथराव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।